सात कुत्तों का जिक्र कर दिया है। सात कुत्ते नगर सेवक, मैंने कहा था बुमरा जैसा अगर आपको बनाना है आप मौका दो। क्या भरोसा है 18 नगर सेवक फिर एनसीपी भी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं? अवार्ड साहब कह रहे हैं मैं तीन माले छलांग मार दूंगा। अरे शुएब भाई बोलते हैं कि मैं तीन माले से कूद जाऊंगा, मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नाम पे गोली खाने को तैयार। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज भिमंडी के 18 नगर सेवकों का सम्मान सत्कार किया गया है। ये सम्मान सत्कार कलवा मुमरा विधानसभा कार्यालय पर किया गया है। एनसीपी के भिमंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू और उप महापौर इमरान वली और नगर सेवकों का सम्मान सत्कार कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के कार्यालय पर खुद शमीम खान और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने किया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एनसीपी पार्टी अब मुमरा के साथ साथ भिमंडी में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है। पानी से लेकर आईजीएम हॉस्पिटल पावर लूम के मुद्दे पर चुनावी रणनीति लग रहा है कि तैयार हो रही है, यानी कि सीधा मुद्दा भिमंडी के विकास से जुड़ा हुआ है। और आज सम्मान सत्कार खत्म होने के बाद एनसीपी पार्टी के भिमंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू और एनसीपी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा है। शोएब भाई, 18 नगर सेवकों का जो है पद गायब है, इसको लेकर काफ़ी खुशी का माहौल भिमंडी से लेकर मुमरा तक देखा जा रहा है, और ऐसे में आप लोगों का आज यहाँ पर शमीम भाई के ऑफिस में सम्मान सत्कार भी किया गया है, इस मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके अंदर सत्यमेव जयते सच्चाई की जीत हुई है, और 18 लोगों का जो लोकल गवर्नमेंट जो खर्चा रहा था उनको क्लीन चिट दी गई है। उसके लिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी हाईकमांड को और ख़ासकर जो मैं अक्सर अवार्ड साहब को कहता हूँ, किंग इज़ ऑलवेज किंग एंड किंग इज़ जितेंद्र अवार्ड, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा साथ रहा, और साथ ही साथ में मुमरा से हमारे दोस्त और बड़े भाई समीम खान साहब, भाई साहब शाहरुख पठान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फॉलो किए और वकील से मिलना, गाइडेंस देना, गाइडलाइन पूरा बताना, तो उस तरीके से और आवाज़ साहब ने यही कहा हमसे, जो भी फैसला रहेगा मैरिज पर रहेगा, कोई पॉलिटिकल दबाव पे नहीं रहेगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि गलत फैसला होने दूंगा नहीं, अगर कहीं सामने से पॉलिटिकल दबाव आ रहा है तो ऐसा होने देंगे नहीं। जो आप मेरिट पे है और ऊपर वाले मेहरबानी है कि मेरिट के ऊपर ही फैसला हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है, उसके लिए आज समीम भाई और यहाँ के पदाधिकारी और भाई साहब और शाहरुख पठान साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बुला के हम लोगों को मान सम्मान और सत्कार दिया और हमारी खुशी में शरीक हुए, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर ये भी जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 18 नगर सेवक बागी होकर कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि क्या भरोसा है 18 नगर सेवक फिर एनसीपी भी छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकते हैं, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हैं आप? देखिए, कांग्रेस में उस वक्त में अध्यक्ष दर्जा भी बागी हुए, हालात क्या थे उस वक्त कांग्रेस के, काम विकास को लेके वो तंग आ चुके थे, और उसका कुछ मसले मसाइल ऐसे थे कि मुझे वहाँ पे हमारे माजी महापौर जावेद अली साहब थे, उनके बोलने पे 18 नगर सेवक को हमने पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए, 18 नगर सेवक के वार्ड में आप जाके पता करेंगे कि काम करने वाले लोग हैं, विकास का काम करते जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और आज तो राष्ट्रवादी छोड़ के भागने के बाद वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा, तो राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के जाएगा और जितेंद्र अवार्ड छोड़ के जाएगा, बहुत बड़ा बदनसीब होगा। राष्ट्रवादी की ताकत और राष्ट्रवादी का तरीका काम करने का, तब मेरे जैसा एक संगठन का आदमी, आज मैंने जब कह दिया कि अगर अवार्ड साहब कह देंगे मैं तीन बार छलांग मार दूँगा मतलब मैं उनके ऊपर चार महीने में इतनी मोहब्बत उनकी मिल गई है, उनका काम का अंदाज देखते हुए मैं इतना फिदा हो गया हूँ, तो नगर सेवक कितना फिदा होंगे, और नगर सेवक को क्या चाहिए, उनके वार्ड में काम होना चाहिए। तो अभी हमारी नवास अभी जैसे उप महापौर हमारे इमरान भाई हैं, महानगर पालिका के अंदर कुछ वो नहीं है, बजट नहीं है, उसके अलावा अब राष्ट्रवादी पार्टी आवाज़ साहब जो है वो कोशिश करके 50 करोड़ का बजट लगाने का हमको वादा किया, और इनके जो वार्ड में जो सब काम बचे
को काम करके देने का वादा किया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब महापौर हमारा बन जाएगा तो इस शहर का जो भी काम है, विकास है, वो पूरा काम होगा, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। और ये जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे कि राष्ट्रवादी छोड़ के जाएंगे, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ये सब राष्ट्रवादी पार्टी में रहेंगे और राष्ट्रवादी सिंबल में लड़ेंगे, और इनके अलावा ये और दूसरी पार्टियों ने नगर सेवा राष्ट्रवादी पार्टी में लेके आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जितने नगर सेवक हैं वहाँ के कांग्रेस के, उनको भी जो है एनसीपी पार्टी के लोग खास तौर पर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप धीरे धीरे उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और आपने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान एक विवादित बयान दे दिया, साथ कुत्तों का जिक्र कर दिया है। कौन है ये और आपने ऐसा क्यों कहा? ये हर पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं। विवादित बयान नहीं था, जो हम मैंने ये कहा था कि 28 कुत्ते में से 28 में से 7 कुत्ते नगर सेवक मैंने कहा था, वो 7 वही हैं कि जो महानगर पालिका को लूटा है, जनता का विश्वासघात किया, जनता के साथ में पार्टी के साथ विश्वासघात किया। मेरे MLA के इलेक्शन में भी उन लोग ने बदमाशी कुछ की थी, बहुत से मामले थे, और वो विवादित अपनी जगह पर है, वो सब चलता रहेगा, दूसरा सवाल किया वो वापस। चुनावी रणनीति क्या है आपकी कॉर्पोरेशन चुनाव में? चुनावी रणनीति ये है, कभी आपने एक सवाल वो कहा था, मैं उसका जवाब देना भूल गया, कांग्रेस के तोड़ने की बात। मैं तोड़ने का काम नहीं करता, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। हमारा काम देख के, हमारा संगठन देख के, आज जनता का फेवर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ है, उसको देख के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और मेरी मोहब्बत में, क्योंकि मैं उनके साथ में रहा हूँ, हर वक्त उनके खड़े रहा हूँ, 10 से 12 नगर सेवक राष्ट्रवादी में ज्वाइन होंगे और इंशाल्लाह, और दूसरी पार्टी के भी कुछ ना कुछ आने की हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी नगर सेवक तो काफ़ी लोग आने को तैयार हैं, पार्टी बढ़ी रही है, बाकी ज़्यादातर बढ़ते चला जा रहा है, तो इसलिए आगे इलेक्शन के अंदर 2022 में हम विकास के नाम पर काम कर रहे हैं। पब्लिक ने वहाँ पर भिवंडी में कांग्रेस को, समाजवादी को, हर पार्टी को मौका दे चुका है। हमारा कहना है कि एक बार राष्ट्रवादी और जितेंद्र आवाज साहब को मौका दो, अगर आपको मुमरा जैसा अगर आपको बनाना है आप मौका दो, इंशाल्लाह भिवंडी शहर का विकास भी हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और विकास के नाम पर आपने, उससे पहले मैंने ये भी कहा है, शायद आपने सुना होगा, 2022 के इलेक्शन से पहले मैं 3 काम जब तक नहीं कर लूँगा पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए, एक काम में मुझे सफल मिल गया जो है पानी का, दूसरा इंशाल्लाह IGM हॉस्पिटल बहुत जल्द हो जाएगा, तीसरा नीति का, और उसके बाद मैं जनता के बीच में बोलूँगा महापौर हमारा ना होने के बाद भी हम काम करके दिए, तो इसलिए विश्वास जीतेंगे हम जनता का, उसके बाद वोट मांगने जाएंगे। शमी भाई, आज भिवंडी के करीब 18 नगर सेवकों को आपने बुलाया, यहाँ पर आपने सम्मान सत्कार दिया, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में सबसे पहले मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आघाड़ी सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फैसला आया है ये महाआघाड़ी सरकार की जीत हुई। ये जीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब की मेहनतों का नतीजा है। अगर मैं अल्लाह ताला के बाद किसी का शुक्र अदा करता हूँ तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र रवाड़ है। हमारे नेता ने इसके लिए बहुत कोशिश किया और जो फैसला आया वो सराहनीय फैसला आया। भिवंडी की जो आवाम है, जो वहाँ का विकास है, उसके हक में फैसला आया, उसके हित में फैसला आया। आज शोएब गुड्डू साहब जब से पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, जब से वहाँ के हमारे दोस्त इमरान वली मोहम्मद साहब वहाँ के उप मेयर हैं, मेयर साहब विलास पाटिल साहब हैं, तो ये जो हमारे 18 नगर सेवक हैं, ये अल्लाह का एहसान है कि इनके जो काम हैं ये आगे जाकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व को और मजबूत करेंगे। आज ये सेहरा अगर महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम आला कमान के बाद अगर किसी के स्तर पर सस्ता है और संवरने का काम करता है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र वार। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है शोएब गुड्डू जी को, क्या लगता है आपको कि आने वाले मनपा चुनाव में खड़े उतरेंगे? जिस तरीके से सीट को लेकर हुआ है कि 90 सीट से 101 हो गई है, तो क्या लगता है आपको खड़े उतरेंगे वो? नीलेश भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं शोएब भाई को आज से नहीं जानता हूँ, मैं शोएब भाई को 20 साल से जानता हूँ, इमरान भाई को, वो जिसके साथ रहे वफादारी से रहे। रही बात ये राजनीति है, ठीक है, मैं भी कभी कल था किसी और पार्टी में, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी पद छोड़ता है तो आदमी गलत हो जाता है या गद्दार हो जाता है। आदमी क्यों छोड़ा? अभी सुना आपने, शोएब भाई ने बताया कि शोएब भाई पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन पार्टी का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी कह दें तो मैं 3 माले की बिल्डिंग से कूद जाऊँगा,
अरे शोएब भाई बोलते हैं कि मैं तीन माले से कूद जाऊंगा, उनको पार्टी में आके अभी दो से तीन महीना हुआ है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 13 साल से हूँ। मैं डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब के नाम पे गोली खाने को तैयार, वक्त अगर आ जाए मेरे लिए ऐसा तो मैं उनको हटा कर खुद गोली खा लूँगा, क्योंकि वो इंसान हमारे कौम के लिए और हमारे मिल्लत के लिए और हिंदुस्तान की लीडरशिप के लिए डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब जैसे नेता की ज़रूरत है। और मैं ये वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि इंशाल्लाह ये नगर सेवक ही जैसे मुमरा कौसा कलवा के नगर सेवक आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता का सर ऊंचा किए हैं, इस तरीके से मतलूब भाई, अहमद भाई और जितने हमारे नगर सेवक इमरान भाई और जो यहाँ याकूब भाई, बबलू भाई सब लोग मौजूद हैं, ये सब लोग हमारे नेता का सर ऊंचा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और भिमंडी शहर के अंदर, भिमंडी महानगर पालिका के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी का मेयर बैठेगा, यही हमारा सपना है और यही हमारा मिशन है। और हाँ, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि शमीम खान भिमंडी में आने जाने का, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शमीम खान डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब के सिपाही हैं। अगर डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब कह दें कि शमीम खान को भी यहाँ से निकलना है और गढ़चिरौली पहुँचना है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठ करके मैं अकेला वहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरे को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।